आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। खरगोन जिले की बड़वाह पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले 5 लोगों को हिरासत में लेकर अपराध पंजीबद्ध किया। बता दें मामला बड़वाह का है, जहां पुलिस ने कृषि भूमि को फर्जी तरीके से बेचने की बात पर लापता पिता सहित 5 लोगों को हिरासत में लेकर अपराध पंजीबद्ध किया। बता दें 6 साल से लापता नेत्रपाल सिंह के नाम की जमीन को उसका पिता लाखन सिंह अन्य लोगों से मिलकर बेचने का प्रयास कर रहा था, जो पकड़ा गया। आगे बताना चाहेंगे कि मलखान सिंह कुशवाहा बड़वानी जिले में सीओ के पद पर रहते हुए इनके खिलाफ शिकायत लोकायुक्त इंदौर में गबन का मामला भी संचालित है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया मामले की पड़ताल करके उचित कार्रवाई की जा रही है। खरगोन से महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ये थाना बड़वाह पर एक कंप्लेंट 11 जुलाई को प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति था नेत्रपाल सिंह, जिसके नाम से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी 23 जनवरी 2021 को बनाकर और 4 अगस्त 2021 को उसकी जो कृषि भूमि थी उसकी रजिस्ट्री करा ली गई। इस शिकायत पर जब प्राथमिक रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान लेते हुए इसमें जांच के निर्देश दिए, इसमें SDOP बड़वा, थाना प्रभारी बड़वा के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जांच की गई। जांच में पाया गया कि जिस व्यक्ति के नाम जमीन है वो 6 वर्ष पहले से थाना माता बसई, ये जिला मुरैना से लापता है, इसकी गुमशुदगी दर्ज है। और इसके नाम से एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र सक्सेना है, जो निवासी जालौन का है, उसको खड़ा करके पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कराई गई और रजिस्टर्ड जो है बड़वा रजिस्ट्रार ऑफिस में कराई गई। और इसके बाद इसी फर्जी व्यक्ति के द्वारा जो है उक्त भूमि जो नेत्रपाल सिंह की थी वो विकृत कर दी गई। और इसी पूरे प्रकरण में अपराध 14 अगस्त को कायम किया गया 409, 420, 467, 468 और 34 IPC के तहत, और उसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, बाद इनके विरुद्ध साक्ष्य होने से इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय पेश। कितना आरोपी बने थे? इसमें 5 आरोपी बने हैं, जिसमें जो लापता व्यक्ति है जिसके नाम भूमि थी उसका पिता भी है, लाखन सिंह राजपूत, निवासी सिविल लाइन्स मुरैना। इसमें कितने आरोपी और अन्य हो सकते हैं? इसमें अभी और भी आरोपी जो गवाह थे, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनाई गई थी उसके साक्षी गवाह और रजिस्ट्री जो की गई थी उसके गवाह को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ठीक सर।